संसार के बहुत सारे क्रियाकलापों में हम रहते हैं, लेकिन अपने को ही भूल जाते हैं। तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, कैसे जाने? बुक्स में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, गुरु ने बताया है, लेकिन इसकी अनुभूति कैसे की जाए? आज के वीडियो में मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा। आप अगर उसका अभ्यास करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में पहुंच पाएंगे उस लक्ष्य तक, उस भूमिका तक। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी की स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप सुबह से उठेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप निकले ऑफिस की ओर, फिर ऑफिस के काम किए, दोपहर में और कुछ काम किया, शाम को किया, सामान लाए, रात्रि में सो गए, तो आपका जो जीवन है वो पूरा जीवन चला गया संसार की प्रक्रिया में। किधर समय मिला आपको? वीकेंड्स में बच्चों के साथ घूमने जाना है, बच्चों को, परिवार को समय देना है। आपने जिसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी, माँ की कोख में आप हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे प्रभु मनुष्य का जीवन दो, मैं मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं आवागमन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं इन 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहता हूँ, उन सबको तो आप भूल गए, उस सबको तो आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया आपने उसको। अब आपको करना क्या है? कभी कभी आपके घर में, ऑफिस में कुछ ऐसे पल आएंगे ना, उन पलों में आपको दुख पहुंचाएगा कोई। दुख कौन पहुंचाएगा, खिन्नता कौन पहुंचाएगा? आपका कली हो गया, बॉस हो गए, पत्नी हो गई, माता पिता, या कोई एक और। दुख का क्षण आदमी के पास आएगा, हर व्यक्ति के घर में आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। उस दुख के पल को समेटना और उस दुख के पल को जीतना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। शायद ही किसी वीडियो में आपको ये बात मिले, क्योंकि जो मेरे अंतर्मन अंतर्ज्ञान से निकला है उसका ही ये वीडियो बन रहा है। उस पल को समेटना, और जैसे आप उस पल को समेटोगे, कहीं एकांत में कुर्सी पर बैठ जाना, लेटना हो तो लेट जाना, नींद नहीं आनी चाहिए, या आसन लगा के बैठ जाना और सोचना, इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, इसका कारण क्या है, क्यों ये दुख मुझे मिल रहा है, मैंने तो सब कुछ किया, अपना पूरा जीवन दांव लगा दिया, फिर भी मुझे इसने दुख दिया। इस पल को बार 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 सोचना। जब तुम लगातार बार बार सोचोगे ना, और ये प्रक्रिया बार बार तुम्हारे साथ होगी, अगले ही दिन वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा या कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये होगा। जब तुम लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, इस दुख के पल को जीने की, तो तुम्हें आभास होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है संसार का, ये सब माया है, सब स्वार्थी हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। जब कुछ महीने तुम्हें इसमें हो जाएंगे ना, फिर तुम्हें दुख नहीं लगेगा, फिर तुमको लगेगा कि ये अपना कर्म कर रहा है और मुझे याद दिला रहा है कि मुझे प्रभु की याद बनी रहे हमेशा। इसीलिए तो दुख आता है, इसीलिए तो हमें बार बार दुख मिलता है। और जब तुम इसको जीना प्रारंभ कर दोगे, जब तुम इसको जीना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें दुख का दुख भी नहीं लगेगा और तुम अपने मार्ग में प्रशस्त हो जाओगे। मार्ग क्या है? मार्ग ध्यान का है, मार्ग नाम जप का है, मार्ग प्रभु की भक्ति का है, भजन का है, जो भी तुम चाहो तुम उसको पकड़ लोगे, क्योंकि ये संसार बड़ा मायावी है। एक पल में दुख देगा, अगले पल में फिर से सुख देगा, फिर आप उसी में उलझ जाओगे। वही व्यक्ति, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे तुमसे फिर से प्रेम करने लगेंगे जिन्होंने तुम्हें उल्टा कहा या कोई बात कही, वही बॉस, वही कर्मचारी, वही कलीग्स तुम्हें फिर से माया में उलझाएंगे। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से अप्रेम नहीं दिखाना है, अपना कर्म करना है, लेकिन अंदर से जो भाव है वो होना चाहिए विरक्ति का। जब तुम्हारे अंदर वो विरक्ति का भाव आ जाएगा, वो चीज आ जाएगी, तो तुम धीरे 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 करके इस भाव से छूटोगे। हो सके तो इस वीडियो को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना और प्रैक्टिस करना, खोज करना उस दुख के पल की। जब तुम खोज करोगे और उसको जीने का प्रयास करोगे, तो वो प्रकट हो जाएगा।
और जब प्रकट हो जाएगा तो एक दिन वही पल तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम दुख से सुख से परे हो। सुख में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन दुख का पल बड़ा दुख देता है। तो इसका अभ्यास करना और देखना, जितना जल्दी जितना ज्यादा तुम इसका अभ्यास करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हें परमेश्वर के दर्शन होंगे और तुम आत्मबोध को भी प्राप्त करने के मार्ग में प्रशस्त हो सकोगे।